पेश है हिंदी जबान में अपडेट। धार्मिक हिंसा से त्रस्तों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भारतीय धार्मिक अल्पसंख्यकों को मोदी के शासन में निरंतर बढ़ते अत्याचारों का सामना। धर्म अथवा आस्थाओं पर आधारित हिंसा से त्रस्तों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बीजेपी भारत को धार्मिक अल्पसंख्यकों से मुक्त करने के मिशन पर। आरएसएस बीजेपी घृणा के अभियान को भारत में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध प्रयोग कर रहा है। मोदी शासन भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध निरंतर आरएसएस विचारधारा का प्रयोग कर रहा है। मोदी के भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घृणा अपराधों में भयंकर सीमा तक वृद्धि हो गई है। धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में भय की स्थिति में रह रहे हैं। आरएसएस समर्थित मोदी शासन आतंक को भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध एक नीति के रूप में प्रयोग कर रहा है। मोदी तथा उसके पिट्ठू संपूर्ण भारत में हिंदुत्व उच्चता को विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को हिंदुत्व बलों द्वारा धड़ल्ले से नष्ट किया जा रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भारत में दूसरी श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। मोदी की फासिस्टवादी विचारधारा दक्षिण एशिया में शांति तथा स्थायित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज जबकि विश्व धर्म तथा आस्थाओं पर आधारित हिंसा के त्रस्तों के साथ एकता का दिवस मना रहा है, उसे भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए।